फ्रेंड्स, इस समय में एक खेत में मैं खड़ा हूं और मेरे सामने जो है राई का यानी सरसों का एक छोटा सा पौधा है, यानी राई का एक पौधा है। और मेरे लेफ्ट साइड जो है टमाटे का पेड़ है, बैंगन का भी यहां पे पेड़ है। भाई थोड़ा सा यहां पे दिखा दीजिए, ये जो टमाटे यहां पे दिख रहे हैं आपको नीचे, और उस तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बैंगन है, और बहुत ही बड़े बड़े बैंगन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मगर जब मेरी नज़र इस पौधे के ऊपर आया, सरसों का सूख गया है, जब इसको मैं देख रहा था और एक जस्ट ऐसा मैं निकाल के मैंने ऐसे डाला मेरे हाथ में, जो राई रहता है, सरसों रहता है, मेरे ख्याल से आपके वीडियोज़ में ये दिख भी नहीं रहा होगा, इतना छोटा सा राई है। जब हम लोग पेड़ में से निकालते हैं, इस पौधे में से निकालते हैं, और मैं दूसरा भी निकालूंगा और यहाँ पे इसको मैं फोड़ूंगा, है ना। मतलब छोटे छोटे राई जो है आपके आंखों में भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो मुझे भी मुश्किल हो रहा है इसको देखने के लिए, मतलब इतने छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। और ऐसा रहता है राई का पौधा या पेड़। इसको जब मैं देखा, अचानक मेरे मन में वो वचन आया, यीशु मसीह कहते हैं, राई के दाने के जैसा अगर तुम्हारा विश्वास है तो इस पहाड़ से कहो कि यहाँ पे उखड़ कर समुन्द्र में गिर जाए तो वो गिर जाएगा। मतलब प्रभु कहता है राई का पौधा, और इसमें से थोड़ा सा निकाल कर मैंने राई जो है इसको मैंने हाथ में लिया, और मैं जब एक राई को मैं देखना चाहूंगा मेरे हाथ में रखकर, बहुत मुश्किल से मैं देख पा रहा हूं इस राई को, इतना छोटा रहता है। और यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा फेथ अगर राई के दाने के समान भी रहेगा, पहाड़ को उखड़ने के लिए कहोगे तो उखड़ जाएगा। पहाड़ मतलब आपकी तकलीफ, पहाड़ मतलब आपकी मुसीबत, पहाड़ मतलब आपकी परेशानी, पहाड़ मतलब आप अपने जिंदगी में जो चुनौतियों को सामना कर रहे हैं, पहाड़ मतलब आप अपने जिंदगी में जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनको अगर आप कहोगे तो निकलने के लिए तो वो निकल जाएगा। अगर आपका और मेरा विश्वास ए जो राय का दाना, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख भी नहीं रहा है, और मैं भी बहुत ही तकलीफ से इस राय के दाने को देख रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है इतना राय का दाना, आमेन, मेरे हाथ में कुछ राय इतना रहने से काफी है। आमेन, आपके परिस्थितियों को बदल सकते हैं, आपके हालातों को बदल सकते हैं, आपके सिचुएशन का बदल सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो मुसीबत को देख रहे हैं, अगर आपके अंदर इतना भी विश्वास है, उनको आपकी जिंदगी से हटाकर आप परमेश्वर के आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखा है आप लोग ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो यीशु कहते हैं इतना विश्वास काफी है। सवाल ये उठता है, जो दिख भी नहीं रहा है ये राय का दाना, क्या इतना भी विश्वास आपके और मेरे अंदर है? ये आपके लिए और मेरे लिए सवाल है। जवाब